वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कंट्री अलग हो गया मगर वी नॉट अलग, दिल अलग नहीं है, दिल अलग है अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर स्टिल टुगेदर ईटिंग स्टिल ऑल ओवर, हम भाई हैं भाई। अलग नहीं होता तो उसको तो भाई सलाद कर रहा हूं भाई इधर पे। आपकी इंफॉर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह यू नो मेरा दिल को लग। पता नहीं किस जगह पे आ गए हैं। जी साहब, जी जी, क्या हाल है सर? माशाल्लाह आपने तो इधर गांव बनाया हुआ है। This is what we have. Very good. अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल आखिर आपसे मुलाकात बिल्कुल बिल्कुल हो गई। अंजुम का, हाँ अंजुम भाई, क्या हाल है? बड़े हबीब भाई, अस्सलाम वालेकुम। हम आए, कहाँ से निकले हैं भाई? पीटर्सबर्ग से, तकरीबन कोई मेरे का एक घंटे की ड्राइव थी भाई। आ गए इधर, ये देखें एक छोटा सा कस्बा है, गांव है, मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। जैसे अरकनसा के जंगल में बलोच साहब का घर है, इसी तरह से यहाँ एक पाकिस्तानी है, उनका घर है, दिखाता हूँ आपको सारा। और बहुत दूर है यार, जंगलों के बीच में है बिल्कुल। जी सर, इंशाल्लाह इट विल बी हियर लाइक 30 ऑफ दीस कैटल and about 500 animals. So ye kitna aapne kya pehle dusri jagah pe tha kya aapka? Yes, mera farm tha Dinwiddie County mein. Matlab Petersburg se almost 45 minutes so. To ye bataye Anjum sahab kahan se hain aap? Karachi. Karachi kaun se area? Gulshan Iqbal. Gulshan. Aur yahan America mein kitna time hua aapko? 35 years. 35 years ho gaye hain. Ji sir. To ye cattle ka kaam kar rahe hain yahan? मैं फार्म का काम करता हूँ, मेरे पास अपने अभी मैंने अपना फार्म जो है ना, ये है हमारे ब्रदर बांग्लादेश से, ये ओन करते हैं, इन्होंने ये फार्म लिया और मेरा भी फार्म ले लिया। सही, साथ मेरा फार्म क्योंकि ये ओनली 5 acres, आई हैव अ 40 acres फार्म। अच्छा, वो कहाँ है? सो दैट्स इन डेनवरी कैमरी, बिकॉज दे वांट टू पुट लाइक 1000-2000 एनिमल प्लस द पोल्ट्री। तो वहाँ अभी नहीं जा सकते क्या? देख नहीं सकते वो? It's empty now. अच्छा, It's empty now. I've sold all the animals and this and that and that. That's why and I'm helping my brother here. His name is Namo. तो ये actually बंगाली भाई का है? ये बंगाली भाई का। अच्छा, और इधर आपको अभी जानवर ज्यादा रखेंगे? हाँ, अभी 21st रखेंगे पर ईद के लिए 7 days before. सही, थोड़ा सा विजिट तो करा लें हमें 5 acres जमीन का। अच्छा, ये रहते भी यही है? नहीं, ये रहते रिचमंड में है, इनका घर है यहाँ पर। अच्छा, फॉर दे गोना कीप इट देयर यू नो पीपल हु वर्क्स हियर, वर्कर्स टू गिव देम लेबर के लिए, इधर फॉर लेबर। यस, तो भाई देख लें, यहाँ पुरानी पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हैं, पता नहीं क्या क्या है। ये तो ट्रेलर्स हैं। अच्छा, ये घोड़ों के लिए, घोड़ों के लिए, एनिमल्स के लिए। कुत्ता भी है, कुत्ता है। कमिया बेबी, आने दे इनको, इसको मैंने दे दिया यहाँ पर, इसको मैंने दे दिया। अच्छा, ये कौन सा है? ये नस्ल है ग्रेट पिरिनीज। इसका क्या खासियत है स्पेशल? इट्स अ फ्रेंच लाइव स्टॉक डॉग। अच्छा, ये उनको जानवरों को इधर उधर नहीं जाने देगा? नहीं जाने देता। और क्या कहते हैं, नो कायोटीज, नो रैकून्स एंड एवरीथिंग, शी विल किल। कम ऑन बेबी, वाटर राइट देयर। ये देख ले आप भाई के इधर अभी इन्होंने गाय, और ये स्लॉटर हाउस है, मैं आपको दिखा देता हूँ इनसाइड। स्लॉटर हाउस भी है? स्लॉटर हाउस भी है। अभी हेलीकॉप्टर उड़ रहा है भाई यहाँ, सो ग्रेडिंग एंड ऑल दैट फॉर लैंड क्लियरिंग। आई हैव अटैचमेंट, दिस इज माय पार्टनर फॉर इन
you know, forestry work, Tom. Mm-hmm. He works with me for different projects. Uh-huh. और क्या कहते हैं जो मेरा फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट का काम है uh-huh. और लैंड मैनेजमेंट का काम है uh-huh. वो हम दोनों साथ मिलकर करते हैं. ओके. एंड दीज आर द व्हीकल्स ऑल द बिग मशीन्स एंड एवरीथिंग वी हैव इट. तो अभी कितने ये कितने हैं अपने बैल? बैल तो चार ही हैं अभी. अच्छा. क्योंकि ये बिक रहे हैं ना. अच्छा, अच्छा. हमारे पास ये तकरीबन मतलब अभी अच्छा, जो कुर्बानी का ये आ रही है उसके लिए ना दोज. ओके. Got it done? Okay, thank you. और इनकी क्या प्राइस होगी? मतलब ये $450 का हम बेचते हैं. $450 का? Yes, कटाई के साथ. पाकिस्तान के हो गए कितने 1.5 लाख रुपए का बेच रहे हैं. और वो वाला आजकल जो बीफ हम जो हम काउ बेचते हैं वो वजन के साथ बेचते हैं और दैट इज $2.39 पर पाउंड लाइव वेट. मतलब जिंदा काउ का जो वजन है $2.39 है. ओके. ओके. बकरे जो है सॉरी ये टोटल अगर बंदा ले तो कितने में पड़ेगा ये? ये अगर फॉर इंस्टेंस ये 800 पाउंड की है या 1000 पाउंड की है तो $2,390 की पड़ेगी. अच्छा. जिसमें हम काट पीट के सब देते हैं. ओके. 2000 हाँ. तो तकरीबन 2500 तकरीबन 6 लाख रुपए का बेल. हाँ. कोई मसला नहीं. ठीक है, खींच के रखें. अब ये क्या है, मशीनरी क्या है, क्या ये हमारा जो है क्या ग्रास कटिंग? ग्रास कटिंग मशीन है ये. हम ट्री कटिंग मशीन है. इनामो, दिस इज इम्तियाज चांडियो. ही इज अ व्लॉगर एंड थोड़ी बहुत उर्दू तो बात कर लेते हैं ना आप? या बंगाली भाषा बोले कोई मसला नहीं. तुम बंगाली जानते हो? हम समझ में नहीं आएगा, जबान तो है. क्या है भाई? जी भाई, उर्दू आता है ज्यादा नहीं ज्यादा. अच्छा, कोई बात नहीं. आता है ज्यादा ज्यादा नहीं ज्यादा. इंग्लिश 50-50. कोई मसला नहीं है. क्योंकि हमारे जो है ना हिंदी हिंदी और उर्दू देखते हैं ना लोग ज्यादा वीडियो, इसलिए. हाँ, कोई तो आप क्या इधर इधर ये आपका फार्म है? जी अभी मैं अभी 2-3 महीना बाद में खरीद किया. अच्छा अच्छा. पीछे भी बिफोर द रमजान मैं खरीद किया. आई मीन मी एंड माय ब्रदर. यू बोथ आर ब्रदर? यस, राइट. ओके. एंड देन वी हैव अ ग्रोसरी स्टोर एंड देन वी थॉट वी नीड टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी. दैट्स व्हाई वी वांट द फार्म. देयर देयर इज नो फार्म हैज विद अ स्लॉटर होम ऑफ एन रिच मोन और नॉट इवन शार्लोट्सविल अंटिल नॉर्थ कैरोलिना. सो दैट्स व्हाई आई सॉ दैट हैज अ स्लॉटर होम. Mm-hmm. Attached to the house, you know, has a 5-acre land. Mm-hmm. This is the first year we are having in the Kurbani, Bakra Eid Kurno. Mm-hmm. So, around 500-700 animals is coming. And like a, from where? Element from the, we have a different supplier coming from Pennsylvania, Ohio, Texas. Then some in West Virginia, but Anjum Bhai is helping me a lot. Okay. He's like my brother. I've been known him a long time, so he has a more experience. So that's why he's helping us. And so also, इसका क्या तरीका होता है farm वगैरह खरीदने का या property या बाहर land लेने का क्या process है? कौन सा फोदा कुर्बानी के लिए? जैसे ये आपने लिया है प्रॉपर्टी शहर से बाहर, तो इसका क्या अलग रूल्स और रेगुलेशन होते हैं? फार्म का रूल्स अलग आता है अमेरिका में. सो डिफरेंट रूल्स होता है बिसाइड द सिटी एंड द रूरल. इट्स कॉल्ड द रूरल एरिया. सो फार्म एरिया हैज रूल्स इज डिफरेंट होता है. लेकिन आई मीन दिस कंट्री हैज अ लॉट ऑफ इजी ऑल्सो टू द फार्म पीपल ऑल्सो. दे आर गिविंग यू हेल्पिंग बट नो वी आर नॉट अ फार्मर बट वी आर लेकिन फिशिंग तो मछली एंड राइस का तो दाल का तो उसको तो नेशनल फूड है. मिल्क भी तो फ्रेश उसको मिल्क मिलता है. यहाँ आपने सिर्फ अपने एम्प्लॉइज रखे हुए हैं और खुद आते हैं टेक केयर करने, बाकी फैमिली वगैरह नहीं रहती? फैमिली रहेगा.
लेकिन आई हैव द हाउस आल्सो फाइव बेडरूम and I have a two bedroom for the employee. They're gonna be stay here and they're gonna take care all the animals. कितने का property है वैसे? It's a 5 acre का land. और कितनी इसकी होगी price? Price we bought at 600,000. And then so, by the time we finish, it's gonna be $1 million. Million dollar. Because we spend another, we are making another barn over there, like for the cow का house. उसका उधर पे बना रहा हूँ. 60 by 100 feet. We are already put the all the. You see that over the the. The land over there we making in a okay. You know, after tree up. Cutting कर रहे हैं. Yeah, the tree already cut. We almost 100 trees already cut. Okay. We are cutting also over there. We're gonna keep the all those the goats and inside that tree. We're gonna cut all the smaller one. We're gonna keep the big one for the shed. And then we have a cow. We're gonna keep it over here. Okay. So hopefully this is the first year. Hopefully, I mean we are new. I mean we are try our best to give the community a better service. So I mean if you, anything we do we done mistake we learn from the mistake we'll do better in next year right. पहले तो हम साथ ही थे बांग्लादेश पाकिस्तान अब आप अलग हो गए भाई उसका क्या हुआ अब आपने अब आप अलग हो गए हम क्या कर सकते हैं इनको बोले भाई कराची वाले नहीं नहीं हमारी हमारे लोगों ने अलग किया हमारे भाइयों को दैट्स व्हाट ऑलरेडी नो द इमरान खान ऑलरेडी टोल्ड दैट It was a politics. Yeah. All our politics. It was a All politics. All the Bangladeshi people country. And the Pakistani people. The whole the high official, they have a politics, make money. That's what they've done it. Country but, alag ho gaya. Magar we not alag. Dil alag nahi hai. Dil alag nahi hai. Alhamdulillah. We are still together eating. Bilkul, bilkul. Still together all over. Bhai. Hum bhai hain. Bhai alag nahi hota to usko to bhai salat karun bhai idhar pe. थैंक यू भाई थैंक यू बड़ा बहुत अच्छा लगा चलें सर अभी प्रॉपर्टी ये घर दिखा दें अंजुम साहब जो हैं ये यहाँ हमें घर दिखा रहे हैं गांव में ये आप देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह गमले शमले लगाए हुए हैं यहाँ हर चीज़ नफासत के साथ होती है आ जाइए वाह अभी भाई हाउस टूर भी हो गया भाई प्लीज़ कीप द शूज़ आउटसाइड अभी आ जाए क्योंकि नमाज पढ़ते हैं ना हाँ अच्छा अभी यहाँ लाइट भी होती है क्या हाँ लाइट भी इन गांव में होती है हाँ हाँ सब कोई लोड शेडिंग कोई लोड शेडिंग नहीं है अमेरिका अच्छा अच्छा देखें ये लिविंग रूम है डाइनिंग रूम है देयर्स किचन यू नो ये गांव का आप घर देखें किस तरह से यहाँ का घर है बाबा यहाँ तो बिल्कुल सारी सहूलियात वही है जो टोटल 100% खोल लीजिए देखें यहाँ भी बिजली आ रही है बड़ी बात है हमारे पास तो लोग इंतजार करते हैं बिजली कब आएगी शहर में शहर में अभी हाँ अभी ये कुछ अच्छा सफाई ये... है ना वन द पीपल अदर पीपल अच्छा ये देखो भाई बांग्लादेशी हैं तो मछली भी लगाई है लाइट थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा हो गया मैं खोलता हूँ कहीं ना कहीं हो गया तो अभी ये हम आपको हाउस टूर करवा रहे हैं ये बेडरूम है बाथरूम है सही क्लोजेट है that will be fixed, तो ये घर कितने का होगा अंदाजन यहाँ देहात का मैंने बताया ना ये पूरा फार्म 5 acre जमीन और ये घर $600,000 का लिया है $600,000 अभी $400,000 का हमारा प्रोग्राम है उस पर काम चल रहा है जो बहुत बड़ा बांध बनाएंगे बेसिकली बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे जहाँ पे सारे जानवर रहेंगे या तो नया नया ये इन्होंने खरीदा है किचन भी बहुत बड़ा है ये सारा स्टोर तो ये देहात का गांव है एक घर है ना हाँ देहात बेसिकली तो इधर आप एम्प्लॉयज रहेंगे या एम्प्लॉयज रहेंगे इसकी फैमिली इनाम की फैमिली रहेगी चलें नीचे और यहाँ ये देखें माइट नीड अ गैस मुर्गे का ये क्या है सर ग्रिल बारबेक्यू ग्रिल ये क्या है barbecue grill इतनी बड़ी बनाएंगे हां इतनी because there will be about 1000 people will be here क्या क्या कर रहे हैं आप प्रोग्राम होने वाला है हां ना जब ईद के लिए आएंगे लोग खाना तो खिलाना है ना यार तो ये करेगा कि फ्री होगा क्या फ्री फ्री तो सारा ह्यूस्टन लेके आए हम भी हां ले आओ ले आओ आ जाए भाई ये देखें घर यहां से इस तरह से है बहुत बड़ा और यहां पे सर्व होगा क्या कहते हैं अपना सारा और तो हमारा कम्युनिटी के लिए आपने कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए टोटल कम्युनिटी कम्युनिटी वो आ रही है चेसापीक से नॉरफोक से फ्रेडरिक्सबर्ग से नॉर्थ कैरोलिना से चेस्टर से डिनबुडी से समझे ना ये देखें किस तरह से यहाँ सड़क
पत्थर रख के इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है, सामने इन्होंने सारे दरख्त कटवा दिए हैं और ये झूला झूला भी देख लेते हैं, मज़ा तो आज ले लेंगे झूले का भी। तो भाई एक शिकायत आपकी रहती है ना कि भाई ये जा रहा है अपने दोस्तों के पास इधर उधर, तो साईं आप वीडियो देखते थे मेरे जी, तो बता दें थोड़ा क्या। भाई मैंने इम्तियाज चांडियो के वीडियो देखने शुरू किए, तो वीडियोस देखना शुरू किए मैं, उसमें ना फिर कैसे ढूंढा एक्चुअली आपका जो हबीब भाई के साथ जो नॉर्थ कैरोलिना का उधर का विजिट था वो मैंने देखा, और उसके बाद फिर मैंने सारी वीडियो का जनाजा निकाल दिया, मैंने देखी सब आपकी इन्फॉर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह यू नो मेरे दिल को लगती है। अच्छा हाँ, और ये जितने दरख्त खड़े हैं ये सब इसी प्रॉपर्टी में आ रहे हैं? इसी प्रॉपर्टी में है। इधर आप क्या बना रहे हो, बाड़ा बना रहे हैं? हाँ बाड़ा बन रहा है, और इसमें मवेशी वगैरह रखेंगे? मवेशी रखेंगे। ये आपको मैं जगह दिखा देता हूँ, देखें अरकनसा के जंगल से ये वाला कौन सा वर्जीनिया के जंगलों में यहाँ आ गए हैं, कराची से भाई हैं। वो प्रोग्राम में मैंने आपका देखा था। अच्छा अच्छा, अदनान बलोच वाला। अदनान बलोच तो यहाँ पहुँचे हैं, अभी ईद भी आने वाली है कुर्बानी वाली, तो इसलिए इन्होंने सारे जानवर वगैरह जमा किए हुए हैं। तो ये देखो कितने बहुत बड़े दरख्त हैं भाई। हाँ। अल्लाह, ये कौन से कहलाते हैं? ये ओक। ओक है ओक। ये तो महंगी होती है ना? महंगा होता है। क्या फर्क है मतलब शहर की प्रॉपर्टी में और यहाँ की प्रॉपर्टी लेने में, फायदे क्या हैं? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी जो आप काम करना चाहते हैं शहर में, दैट्स अ डिफरेंट। वहाँ तो छोटा घर मिलेगा, वहाँ छोटा घर मिलेगा। और ये सारा क्या है, कौन से पौधे शोधे हैं? जंगली है, जंगली है ये सारे। अच्छा, तो यहाँ शेर देर यहाँ कोई जानवर शानवर? कोई जानवर नहीं आता, रात को कुछ नहीं, सांप आ जाए नहीं कुछ नहीं होता। उसके लिए केमिकल आता है, आप डालते हैं अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, सांप आएगा ही नहीं। वो क्या होता है? वो जहर होता है बेसिकली। अच्छा। तो सांप के लिए, लेकिन वो जाहरी बात है बारिशें होती हैं, धुल जाता है, फिर उनको वो करना, देन यू हैव टू डू इट ऑल ओवर अगेन। तो वो कितना अरसे तक, अगर बारिश ना हो तो कितने अरसे तक वो केमिकल? 30 days 45 days। मर जाते हैं या भाग जाते हैं? भाग जाते हैं उसी की खुशबू से। उसकी वो ऐसी चीजें हैं यहाँ? ऐसी चीजें हैं। और अगर कोई जैसे कोई शेर है या कुछ और? यहाँ कोई शेर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपको हिरन मिलेंगे, कायोटीज और फॉक्स, बेयर भी नहीं है। तो कायोटीज भी तो नुकसान वो है ना? हाँ, तो अटैक करते हैं ना? अटैक करते हैं वो लाइव स्टॉक पे। बॉबकैट? बॉबकैट नहीं है यहाँ। अच्छा, लाइव स्टॉक पे करते हैं? लाइव स्टॉक पे करते हैं कायोटीज, लाइव स्टॉक, इसी ने तो कुत्ते रखे हुए। चलें अभी आपको मैं मशीनरी वगैरह दिखाता हूँ। यार ये वाले मजे भी ले लें, फिर हम गाँव से पता नहीं आए ना आए। भाई क्यों नहीं आए, आते जाते रहो भाई। बस साईं घर पे आओ, दावत करेंगे, फिर इंटरव्यू कर लेना साईं, मसला ही नहीं है। ये टूट ना जाए यार, ये है गांव के मजे, झूले झूलो, टूट जाएगा? अच्छा 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 अच्छा, चलें भाई टूट सकता है भाई। शोएब भाई आपकी मेहरबानी, आप लेके आए यार। भाई शोएब मेरा बच्चा है भाई, हबीब साहब को भी, ये तो हमारा बच्चा है भाई, ये शोएब तो हमारा बच्चा है। कद्दू बोलते हैं हम उसका? कद्दू का, ये येलो कद्दू जो होता है। अंदर चले, कद्दू शद्दू सारे लगाए हुए, टमाटर भी लगाए हैं? अच्छा, टमाटो प्लांट बोल रहा है वो वाला? अच्छा, ये वो बड़ा वाला ना? हाँ बड़ा वाला, ये टमाटो प्लांट। अच्छा, और वो है अपना लाल वाला बैगन? सही। ये देखें यहाँ खेती बाड़ी भी हो रही है, सब्जियाँ इन्होंने लगाई हुई हैं और फल वगैरह भी आइंदा आएंगे तो हो जाएंगे। चले प्यारे लोगों के लिए प्यारा सा गुलाब, वो बंगाली भाई कह रहे हैं कि प्यारे लोग जब आते हैं उनके लिए मैंने फ्लावर लगाए हुए हैं। अमेरिका में क्या खुशबू मिलता है? अमेरिका में खुशबू की कोई चीज़ नहीं है। चले फूल दिखा देते हैं इसको पूरा, हमने यहाँ पे अभी देखे ना, यहाँ पे सब गेंदे का इसका इसका तो इसको मतलब एक बड़ा खूबसूरत बना रहे हैं। हाँ, या, इसको रिनोवेट कर रहे हैं। यस, गार्डन का मेरा वाइफ का प्रोजेक्ट है, उसका प्रोजेक्ट भी गार्डन के लिए। अच्छा, वो वाइफ वो संभाल रही हैं। तो एवरी डे आता है। तो ये मशीनें आप खरीदते हैं या रेंट करते? इसका रेंट भी है। ये क्या होते हैं? ये एनिमल ट्रेलर है, एनिमल इसमें आते हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए? सारे जानवर या सिर्फ? नहीं जो भी रखना चाहे, जो अंदर जाए आपको, लेकिन आपको कैटेगराइज के अंदर करना पड़ता है कि जी है ना, यहाँ पे अगर आपको काऊ रखनी है,
दूसरे में आपको दुम्बे रखने हैं, तीसरे में आपको कुछ बकरे रखने हैं। हमारे इधर ट्रकों में बेचारों को बांध के जाती, इधर आप इज्जत के साथ जानवरों को ले जाते हो। अच्छा, हमारे पास तो जुल्म होता है जानवरों पे। आपको पता है इतना बड़ा फाइन है कि कुछ हद नहीं। अच्छा, जानवर को बड़े तकलीफ में लेके जाना क्राइम है? क्राइम है भाई। अच्छा अच्छा भाई, ये देखें सारी जगह ट्रॉलर वगैरह देखें, ये देखें किस तरह से कटाइयाँ हो रही हैं यार, मशीनों से आराम से बैठ के कटाई कर रहे हैं। तो ये कितने चार्ज करते हैं पूरी सफाई के? महंगा होता है सारा काम? महंगा होता है भाई। यहाँ पे कोई 100 रुपए की दिहाड़ी नहीं है या 300 रुपए की दिहाड़ी नहीं है। तो कितना ये चार्ज कर रहे हैं अंदाजन? ये जो आपने घास साफ कराई है, किराया साफ करने तकरीबन $500-600 लग गए। अच्छा, तो एक तो आपने खरीदा $6 लाख में या $5 लाख में, जो बाकी खर्चा है वो कितना हो जाएगा अगर अच्छा फार्म बनाएगा तो? तकरीबन टोटल 1.2-1.3 मिलियन। प्लॉट बना था 60 by 100 feet, उसका भी और थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी है, उसका ट्री काट लिया अराउंड 400,000 उसको तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ये पीछे वाली साइड, और यहाँ आप देखें ये इन्होंने, ये तो वो है ना, मोर है ना? नहीं नहीं, ये टर्की है, गिनी चिकन है। अच्छा, वो चीनी मुर्गी होती है ना पाकिस्तान में, ये वो है। डक्स भी हैं, वो सारी बैठी हुई हैं अंदर, वो देखो अंडा भी दिया हुआ है। सही है। और यहाँ पर अभी वो बड़ा मुर्गी खाना बन रहा है जहाँ पे, तो सब कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये इनके छोटे छोटे घर है मुर्गियों के। हाँ, और ये भी Lizard! ये क्या कुत्तों का है क्या? हाँ, ये कुत्तों का है। Lizard! Come here. Come on, baby. Come on, baby. नहीं, गर्मी बहुत है ना, तो ठंड में बैठा। हलिया आ जाओ यार, क्या कर रहे हो अंदर? आजा 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 आजा, तो चाय पिलाए। नहीं आ रहा, नाराज है आपसे? सही, नाराज नहीं, मेरा है भी ना, ये इधर ही फार्म पे था। अच्छा अच्छा, इनका ख्याल रखते हैं? नहीं, खाना पीना? खाना पीना सारा सब कुछ बढ़िया। अगर ये कुत्ता कंप्लेन कर दे तो मसला हो जाए। हाँ हाँ, ये तो बहुत बड़ा कुत्ता है। इसके तो आप निकाले ना बाल, तो बेचारे को गर्मी लगती होगी ना। ये बड़े बालों की ब्रीड है, ये खुद ही झड़ते हैं, ये देख रहे हैं ना, झड़े झड़ते हैं। ये अटैक करेगा क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं अटैक, बड़ा प्यारा। अरे अरे भाई, हम गरीब आदमी हैं, चलें भाई। एक ने ये अटैक करते हैं? नहीं, कभी भी सिर्फ कायोटी को और इनको अटैक करते हैं, रेकून। अच्छा, ये आते हैं रेकून? हाँ, रेकून आते हैं ना। वो तो वो भी खतरनाक होते हैं ना। हाँ, वो काट इंसानों पे कम ही हमला करते हैं, और ये ख्याल रख लेते हैं ना उससे। और यहाँ से अगर कोई सांप वगैरह आ जाए? आ जाए तो ये ये बैठे रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चले तो भाई अभी चलते हैं। चलें देखें भाई, कटाई चल रही है, ये सफाई कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं। तो अभी हमारे जाने का टाइम आ गया, तो बहुत ज़बरदस्त हो गया, हमने फार्म विजिट कर लिया। इम्तियाज़ भाई जी, सर, यू आर वेरी वेलकम टू कम टू माय हाउस फॉर डिनर। इंशाल्लाह, यू नो, जब टाइम मिलेगा दोस्तों, टाइम मिले बताइए, दोस्तों के साथ आ जाइए। हाँ हाँ, हम बारबेक्यू, लेकिन समर में आना। तो अब ये जो डेट देते हो ना पाकिस्तानी, इस डेट पे आना, ये मसला करता नहीं, हम डेट हम कह रहे हैं समर के सीजन में आना, हम समर आते अचानक, समर के मौसम में आना, तो बाहर बैठ के डेक के ऊपर सारा, हम आफत की तरह आते हैं और आफत की तरह चले जाते हैं। तो हमारे लिए ये जो टाइम बनाते हैं ना कि इस टाइम पे आना, इस पे आना, ये मसला होता है। नहीं 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 नहीं, आप बता दें, हम आपके पास। ये भी इसी प्रॉपर्टी के साथ मिली है क्या आपको? सब सब सब, ये सारी प्रॉपर्टी मशीनरी के साथ खरीदी है। हाँ, तो आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अंजुम साहब और उनके बांग्लादेशी दोस्त के साथ आप देखें, पाकिस्तान बांग्लादेश ये साथ ही इधर काम कर रहे हैं, और इनका अपना भाईचारा भी है,
और यहाँ की ज़मीनों का भी पता चल गया, जंगल में आए हुए हैं, बिल्कुल दूर है, हम साईं तो कह रहे हैं करीब है लेकिन जो मुझे लग रहा है बहुत दूर है। और इस जगह पे हम आए हैं, हर तरफ जंगल हैं और यहाँ ये फार्म अपना बना रहे हैं नया, और इसके साथ मज़ीद जानवर भी आने वाले हैं, ऊपर कुर्बानी की ईद भी है। तो इस फार्म हाउस को आपने विज़िट किया, घर को, लैंड और मज़ीद कटाई शटाई चल रही है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें इनवाइट भी किया और ये प्रॉपर्टी भी दिखाई। चांदियो साहब, ये ख्वाब था, अल्लाह ताला ने पूरा कराया। थैंक यू सर, ये हमारे लिए आपकी मेहरबानी। बस चैनल चांदियो से मिलाने का, और बस चैनल सब्सक्राइब साईं ने किया है या नहीं? मैं किया, हाँ, किया। तो चैनल आप भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। और स्पेशल थैंक्स भाई आपका भी, हबीब साहब का। हाँ, हबीब साहब का। और हाँ, क्या कहते हैं, ये हो गया मस। ये देखो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। वाह वाह, हबीब ने मदद कर ली। हाँ,